ढोलकपुर के एक छोटे से गांव में एक नायरा नाम की लड़की अपने भाई नैतिक के साथ रहती थी। नायरा के माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना के दौरान हो गई थी। तभी से उसका भाई नैतिक उसकी देखभाल कर रहा था और रिश्तेदारों के कहने पर उसे नायरा के 18 साल की उम्र में ही एक कार्तिक नाम के लड़के से शादी करवा दी थी। नायरा भी शादी के बाद अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां उठाती है और सभी कामों को बहुत अच्छे से करती है। एक दिन नायरा की सास सुहासिनी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी नायरा उन्हें चाय देने उनके कमरे में जाती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। तभी सुहासिनी दर्द से कराहती हुई कहती है, हे भगवान, ये बिन बुलाए मेहमान सुबह से ही आ गए। क्या कह रही हो माँ जी, मैं तो इस घर की बहू हूँ, कहीं जब भी मर्जी हो आ सकती हूँ। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रही, मुझे आज सुबह से ही पीरियड आ गए, ऊपर से अब उम्र हो गई है तो बहुत दिक्कत हो रही है। पीरियड? माँ जी ये पीरियड क्या होता है, मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। और बहुत बड़ी बीमारी है क्या जो आपको हो गई है? अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो आप इसका जल्दी से इलाज करवाइए ना। सुहासिनी बहुत अचंभित रह जाती है। वो नायरा से कहती है, अरे बहू तो पागल हो गई है क्या, तुझे पीरियड के बारे में नहीं पता? ये सभी औरतों को होते हैं और ये होना बहुत ही भाग्यशाली कहलाता है। अच्छा, अगर ये इतना जरूरी है तो ये आज तक मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे तो कभी पीरियड्स नहीं हुए। सुहासिनी नायरा की बात सुनकर चौंक जाती है और कार्तिक को आवाज लगाकर बुलाती है। सुहासिनी की आवाज सुनकर कार्तिक भी वहाँ आता है। अरे कार्तिक, तुरंत अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर जाओ और दिखा कर ला, ये औरत है भी कि नहीं, तेरी बहू को तो पीरियड्स नहीं आते। अपनी माँ की बात सुनकर कार्तिक पहले नायरा को अपने कमरे में ले जाता है। नायरा बहुत जोर से रोती है, ये पीरियड्स क्या होते हैं जी, और अगर ये इतने भाग्यशाली है तो आज तक मुझे क्यों नहीं आए, क्या मैं औरत नहीं हूँ, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती, आपकी माँ ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कार्तिक नायरा को चुप करवाता है, उसे गले लगाता है और शांति से उसे पीरियड्स के बारे में सब कुछ बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊंगा, हमें जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नायरा का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर कार्तिक और नायरा को बताते हैं, देखिए हमने नायरा के सारे टेस्ट कर लिए हैं और नायरा को कोई भी दिक्कत नहीं है, बस जहाँ पीरियड होने की जगह है वहाँ नायरा को कुछ जख्म है जिसकी वजह से उसे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, हम इसका इलाज करेंगे तो नायरा को पीरियड्स होने लगेंगे, बस इसका इलाज थोड़ा सा लंबा चलेगा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और कार्तिक नायरा का इलाज करवाता है। इलाज को एक महीना बीत जाता है और एक दिन नायरा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास सुहासिनी वहाँ आती है। नायरा सुहासिनी को नाश्ता देने लगती है, तभी सुहासिनी की नज़र नायरा की साड़ी पर आती है जिस पर पीरियड होने की वजह से उसके कपड़े खराब हो चुके थे। अरे ये क्या बहू, तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। माँ जी आपने तो कहा था कि पीरियड्स बहुत भाग्यशाली होते हैं। हाँ हाँ ज्यादा मत बोल, इस समय तुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। ये कहकर सुहासिनी पीरियड्स के बारे में नायरा को समझाती है और उन दिनों से वो उसका बहुत ख्याल रखती है और उसको कपड़ा नहीं पैड्स यूज करने के लिए लेकर आती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की कहानी, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में।